तो वहां से तो सबको पता लग रहा है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट है, वहां पर सबको पता लग रहा है भाई, यहाँ पर हम चार्ट देख के हमने बता दिया, यहाँ सपोर्ट है, यहीं पर ही खरीदेंगे। पर वहां भी स्थिति चेंज हो जाती है, फिर करी और कल को कोई निगेटिव न्यूज आई तो यहीं से शेयर नीचे की तरफ चले जाएगा। क्या करना है सर, क्या आप इसके अंदर पॉजिटिव चीज दिख रही है? अभी तो इसके अंदर बीच में छोटी सी तेजी, फिर इसके अंदर गिरावट, फिर अगस्त के एंड में इस शेयर के अंदर एंट्री वाली, वो भी अभी उम्मीद है, और उम्मीद वाली चीजें आगे भी हो सकती है तो दे सके। लेकिन 4G का मकसद नहीं है, अब मकसद चल रहा है 5G का। तो जो लोग यहाँ एंट्री करने की सोच रहे हैं, वो ये सोच कर चले हैं कि फंड बैंक में ना चरण बाई काम हो रहा है, यानी कि अगला चरण, फिर अगला चरण, फिर अगला चरण। ऐसा IDBI बैंक में आपको देखने को मिला कि चढ़ गया, कि भाई कहीं ना कहीं जो सरकार अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं तेजी के संकेत मिल सकते हैं। प्राइवेट की लाइन में सबसे आगे है जिस बैंक का नाम है IDBI बैंक, और अब देखेंगे कि इसके अंदर हमें कब एंट्री करनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे NHPC की, वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे HFCL की, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो प्राइवेट की लाइन में सबसे आगे है जिस बैंक का नाम है IDBI बैंक, और अब देखेंगे कि इसके अंदर हमें कब एंट्री करनी चाहिए और इसका जो प्रॉफिट का लुफ्त है हमें कब आना चाहिए। यानी कि काफ़ी लोग जब ऐसी न्यूज़ से सामना कर लेते हैं कि किसी भी कंपनी का प्राइवेट, जो सरकारी कंपनी होने वाली उसका प्राइवेट होने वाला है, और उसके अंदर फिर तेज़ी के संकेत हमारे मन में बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जब आपको चार बैंकों की प्राइवेट की न्यूज़ आपके कानों तक गई तो लोगों को पता नहीं था कि वो अगले दिन जो चार बैंक की प्राइवेट की न्यूज़ आ रही है वो तेज़ी दिखाएंगे या गिरावट दिखाएंगे। लेकिन वहाँ से एक अंदेशे हो गए कि जब ये प्राइवेट की न्यूज़ रात को आई और सुबह जब उन सारे चार बैंकों में अपर सर्किट लगे तो सबके दिमागों में ये चढ़ गया कि भाई कहीं ना कहीं जो सरकार अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं। IDBI बैंक जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है, लेकिन जब चार बैंकों की न्यूज़ आई थी और तभी मैंने आपको अपनी दृष्टि से बताया था कि उन चार बैंकों के अलावा मुझे IDBI बैंक प्राइवेट होने की दिशा में लग रहा है, और उस टाइम पर IDBI बैंक की कोई भी न्यूज़ नहीं थी IDBI की ये प्राइवेट होगा, कि मैंने उस टाइम वीडियो बना दी थी, शुरुआत वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या IDBI बैंक हमारे लिए एक वैल्यूबल शेयर है या फिर ये अभी और गिरावट के आसार भी दिखा सकता है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि IDBI बैंक में ना चरण बाई काम हो रहा है, यानी कि अगला चरण, फिर अगला चरण, फिर अगला चरण। ऐसा IDBI बैंक में आपको देखने को मिला कि इसके अंदर कुछ चरणों में काम हो रहा है, कि भाई पहले इसकी बोलियाँ बुलाई जाएंगी, फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन इसके अंदर भागीदारी कर सकता है, कौन अच्छा है, उनको बोलियाँ बुलाने की चीज़ें बताई जाएंगी। इस तरीके से IDBI बैंक जो है काफ़ी एक साल से घूम रहा है और इसी नज़र पर सबकी नज़र है कि भाई काम होगा कब। मैंने आपको कहा था कि जब तक के इसके अंदर वित्तीय बोली बुलाने वाली न्यूज़ आपके कानों तक ना आए ना, तब तक के इसके अंदर जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो सिर्फ हमें समझ में नहीं आ रही कि उसके अंदर कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज बेस भी अब शेयर बन गया IDBI बैंक। ध्यान रखना, सबसे बड़े प्रमोटर इसके अंदर LIC है और केंद्र सरकार है, और दोनों अपनी हिस्सेदारी को कुछ को बेचना चाह रहे, इसके लिए उन्होंने इसी के भाव के अभिपत्र भी बुलाए थे, जो 7 जनवरी 2023 को जो घरेलू निवेशक थे और विदेशी निवेशक थे उन्होंने बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि दिखाई, उसके जो पत्र थे वो जमा हो गए हैं। अब यहाँ तक कि 7 जनवरी वाली बात थी, लेकिन ये पूर्णतया कब होगा ये भी तो हमें समझना चाहिए। अब इसके अंदर एक नया मोड़ आ रहा है कि जो भी निजीकरण सरकार कर रही, सरकार एक तरीके से जो भी वो निजीकरण कर रही है उसके अंदर कुछ टैक्स में छूट होगी। इसी तरीके से अगर जो LIC की हिस्सेदारी कोई भी निवेशक लेना चाहता है तो उसको कर में छूट होगी। तो ये भी एक आदेश की न्यूज़ निकल कर आ रही है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि भाई किसको कर में छूट दी जा रही है,
तो हो सकता है कि वही बैंक को लेने वाला एक संभावित कंपनी नजर आए। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा कि सारी की सारी दिशा जो सरकार इस क्षेत्र पर ला रही है वो कर पर छूट। और अब आगे देखा जाएगा कि जो 7 जनवरी को जो अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं सरकार को, यानी जो भी किसको प्राइवेट कर रहा है, उसका अगला चरण अब होगा, यानी कि अगली बोली, वित्तीय बोली जो बुलाई जाएंगी वो सितंबर में बुलाई जाएंगी। तो यानी कि अभी तो इसके अंदर बीच में छोटी सी तेजी, फिर इसके अंदर गिरावट, फिर अगस्त के एंड में इस शेयर के अंदर एंट्री वाली चीज़ें बनेगी। समझ रहे हो सर कि सितंबर में इसकी वित्तीय बोली यानी कि कौन कितना पैसा लगाकर इसको खरीदने वाला है, वो चीज़ें कब होंगी? वो होंगी सितंबर में। वो भी अभी उम्मीद है और उम्मीद वाली चीज़ें आगे भी हो सकती है। तो हो सकता है कि इस बैंक में अगर आपकी रुचि इस वजह से है कि ये प्राइवेट हो रहा है तो उसमें अभी विलंब है, वो आगे जाकर सितंबर में होगा, हो भी नहीं सकता, आगे भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपको लंबा विषय बनाना पड़ेगा और हाल ही की चीज़ों में हमें प्रॉफिट की चीज़ें देखनी पड़ेगी। जब बीते दिनों इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी का उछाल आया तो मैंने तभी बता दिया था भाई यहाँ तो प्रॉफिट की चीज़ें निकल रही है। वैसे IDBI बैंक को मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, अधिकतर मेरी वीडियो IDBI बैंक में काफ़ी है। तो लोग कहते हैं सर IDBI बैंक में किया क्या जाए? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से न्यूज़ पर न्यूज़ IDBI बैंक को या किसी भी शेयर में हो वो आपको एक राह दिखा देती है कि भाई ये चीज़ें कब होंगी, पर उसे जानना पड़ता है। 7 जनवरी 2023 को तो घरेलू और जो विदेशी निवेशक है उन्होंने अपनी रुचि के भाव को जमा कराया है। अब उसके अंदर कुछ सरकार छाटेगी किसको क्या क्या करनी है, तो फिर फाइनल जो अगला चरण होगा वित्तीय बोली वाला वो सितंबर में होने की चीज़ें हैं। तो अभी विलंब है, अभी थोड़ा सा इस बैंक की दृष्टि को नॉर्मल लेकर चलना है और बीच में जो तेजी है उसका मोजा लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, अलग दृष्टि की वीडियो बनाता हूँ इसलिए वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उस चीज़ों को समझकर ही अपने भाव को तेज़ी के साथ संकेतों में करना पड़ता है। वोडाफोन आइडिया में भी जहाँ अभी आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, एक ही जगह शेयर टहलता जा रहा है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर एंट्री करने की चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंट्री करने की चीज़ें हर जगह हो जाती हैं, पर उसे रखने की चीज़ें वाली जो है हमें बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि फंड जो इसका है अभी 2-4 दिन में आ जाएगा तो अभी इसके अंदर एंट्री, समझ रहे सर, क्योंकि इस शेयर ने यानी इस कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है। जो कुमार मंगलम जी इसके अंदर आए हैं उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई है, सरकार से यानी वित्त मंत्री से भी कंपनी वाले बातचीत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई। अब कैसे बता दें कि एंट्री करने की चीज़ें? तो सर एंट्री करने की चीज़ें ने न्यूज़ की स्थिति को बता देता है, यानी कि अगर आज हमने एंट्री करी और कल को कोई निगेटिव न्यूज आई तो यहीं से शेयर नीचे की तरफ चले जाएगा। क्या करना है सर, क्या आप इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ दिख रही है? पॉजिटिव चीज़ ये दिख रही है कि 2-4 दिन से वोडाफोन आइडिया अपने प्रीपेड के नए नए प्लान ला रहा है, यानी कि वो एक ऐसे लुभानी चीज़ें प्रीपेड के प्लान में ला रहा है जिसके वजह से वो कस्टमर को 4G में अच्छी चीज़ें दे सकें। लेकिन 4G का मकसद नहीं है, अब मकसद चल रहा है 5G का। तो जो लोग यहाँ एंट्री करने की सोच रहे हैं वो ये सोच कर चले हैं कि फ़ंड आ गया तो मज़े, फ़ंड नहीं आएगा तो गिरावट, फिर फ़ंड आएगा तो 5G फिर मज़े। तो वो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है सर। ये न्यूज बेस्ड शेयर हैं तो ये न्यूज के आधार पर ही भागेंगे, और जो कहा गया है कि 1 महीने से फंड की बातचीत चल रही है उसका उजागर होने वाली चीज़ें की तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ, उसकी चीज़ की तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ, और जब वो चीज़ें निकल कर नहीं आई तो फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या कि भाई यहाँ खरीदना है वहाँ खरीदना है। तो खरीद तो से हम 10 में भी लेंगे, पर एक बार पता तो लगे कि इसके अंदर फंड कितना आ रहा है, किस वजह से फंड आ रहा है, क्या क्या चीज़ें फंड के लिए होंगी, कितने शेयर और दिए जाएं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो। इसलिए इसके अंदर अभी तो होल्ड वाली चीज़ें वोडाफोन आइडिया में बनती जा रही है। मैं आपको बता दूँ सुजलोन एनर्जी में 2 वीडियो मैंने अभी आपके लिए हाल ही में बनाई, दोनों सटीकता तक पहुँची हुई है, फिर भी काफ़ी लोगों का सवाल है कि इस शेयर के अंदर भी एंट्री कर लें। थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जिस तरीके से कोई भी पैनी स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, कुछ समझदार लोग उसके अंदर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं,
वो इसलिए बुक कर लेते हैं, उनको पता है कि ये दोबारे भी नीचे आ सकता है, फिर दोबारे भी इसे हम खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने हृदय को ये समझाना होता है कि जिस शेयर के अंदर हमने यानी 11 रुपये या 12 रुपये कहीं भी आ रही हो, उसके बाद वो 50 पैसे 60 पैसे नीचे की तरफ है, तो जिन लोगों ने समझदारी दिखाकर अपना प्रॉफिट बुक किया था, अब वो भी घुस जाएंगे इसके अंदर। वो सोचेंगे कि भाई यहाँ से भी क्या पता इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही, यहीं से ऊपर भाग जाएगा शेयर, यहीं पर ख़रीद लें। और जो नए लोग छूट गए थे, जो शेयर को नहीं ले पाए थे 8-9 रुपये में, तो वो भी यहाँ एंट्री करेंगे। उन्होंने कहा भाई ये हाई दिखा के थोड़ा 50-60 पैसे नीचे आया है। अब यहाँ क्या हुआ है, दो एंट्री हो गई है यहाँ पर। एक तो उनकी जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, उन्होंने सोचा 50-60 पैसे नीचे है, एक उनकी जो चूक गए थे पहले लेने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया। अब क्या होता है, अब ये शेयर वहाँ से भी नीचे की तरफ आएगा। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बाइंग की स्थिति 10 रुपये में बन रही है, और जब 10 रुपये में इसकी बाइंग की स्थिति बन रही है, तो ये 50-60 पैसे या ऊपर जाए 50-60 पैसे नीचे जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। होता है ना कि अभी घर में ही घूम रहा है ये शेयर, ये हो सकता है यहाँ से भी तेजी दिखा दे, हो सकता है यहाँ से भी नीचे की तरफ आ जाए। मैं आपको बता दूँ, 10 को तोड़ता है फिर ये 9 रुपये से नीचे ही आपको शेयर मिलने वाला है सुजलोन एनर्जी। अब एक चीज़ बताऊँ कि टेक्निकल में हमने अगर देख लिया कि इसके चार्ट में भाई इसका 10 या 10-25-20 का सपोर्ट बन रहा है, मान लो इतना ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहाँ से तो सबको पता लग रहा है ना यहाँ पर एक सपोर्ट है, वहाँ पर सबको पता लग रहा है भाई यहाँ पर हम चार्ट देख के हमने बता दिया यहाँ सपोर्ट है, यहीं पर ही खरीदेंगे। पर वहाँ भी स्थिति चेंज हो जाती है। अब ये कल परसों में ही कोई गुड न्यूज आ जाए तो ये वो सपोर्ट जो इसके अंदर 10 रुपये करीब का बना है, तो वो भी मायने नहीं रखेगा। फिर क्यों रखेगा, वहाँ न्यूज बीच में आ गई है, इसलिए न्यूज जो है ना पासा पलट देती है। हम क्या कर रहे हैं कि न्यूज कुछ भी नहीं आए तो फिर हम 10 में सोचेंगे, अगर बीच में इसके अंदर कोई गुड न्यूज आई ये यहीं से ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये सारी स्थिति को शेयर में समझना पड़ता है। काफ़ी लोग कह रहे थे कल भी कमेंट किया, सर अब बनती है बाइंग या आप तो बात में नीचे लेंगे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, कंपनी को है पैसों की ज़रूरत, हर संभव प्रयास वो कर रही है, और इसके पास ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा आ गई है। अगर 2-3 महीने में इसको अच्छा ऑर्डर सरकार की वजह से मिलता है तो फिर वहाँ तेजी आएगी। 2 महीने वाली चीज़ें मैं आपको पहले बताकर चलाऊँ कि वहाँ तेजी आ सकती है। तो ये आप सब बात समझ में आ गई कि अगर 10 में आपको ख़रीदना है तो उससे पहले अगर न्यूज आई तो ये उसी से भागना शुरू कर देगा। तो अपनी सिचुएशन को बनाकर चलिए। जल विद्युत में जिस तरीके से मैं आपको बताता चला हूँ कि SJVN ने भी नेपाल से परियोजना जीती है, और अब आपको देखने को मिला है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है 4 दिन की जो एक यात्रा पर हैं भारत में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री आपस में समझौता कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ की है कि वो जल विद्युत में अच्छी परियोजना को ला रहे हैं। तो नेपाल की जो जल विद्युत उत्पादन कंपनी होती है उनके साथ हाथ मिलाकर हमारी भारत की NHPC कंपनी जल विद्युत परियोजना में 480 मेगावाट के लिए काम करेगी। इसके हस्ताक्षर चीज़ें हो चुकी हैं। ये कितनी बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है कि नेपाल में 480 मेगावाट के लिए वहाँ की कंपनियों के साथ मिलकर यहाँ की NHPC वर्क करेगी और जल विद्युत में एक अच्छी परियोजना को सफल बनाने के लिए इसमें हस्ताक्षर हो गए हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिला है कि जल विद्युत जब ऊंचाई की तरफ जाने की मंशा दिखा रहा है, हर तरफ विदेशों की तरफ हो या इंडिया की तरफ हो, वहाँ पर NHPC और SJVN एक अहम भूमिका निभाता हुआ चल रहा है। अब इन शेयरों में 1-2 रुपये गिरावट, 1-2 रुपये के उछाल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। क्यों नहीं पड़ने वाला, कि अगर ये शेयर अच्छी चीज़ों के वास्ते हमें दिख रहा है तो ये होल्ड वाला शेयर तो NHPC बन ही रहा है, कि जिस तरीके से इस तरीके से काम हो रहा है। दिसंबर 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी की 250 मेगावाट की पहली इकाई शुरू होने की उम्मीद है। ये हमारे बिजली मंत्री RK सिंह जी ने बता दिया है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि NHPC की एक और निर्माणधीन जो परियोजना है 250 मेगावाट की, उसको 2024 के दिसंबर में ही चलने की एक अभिलाषा आरके सिंह जी ने दिखा दी है। तो NHPC काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और हर चीज़ों को आपको समझकर चलना। टेलीकॉम के उपकरण जो घरेलू कंपनी बनाती है HFCL एक बेस्ट कंपनी के तहत नज़र आती जा रही है।
अभी हाल ही में इसने प्राइवेट 5G नेटवर्क में काम करने के लिए दिशा देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला लिया है। बढ़ चढ़ कर एक बहुत बढ़िया काम करने के लिए तैयार HFCL ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए किया है। और इनका जो हैदराबाद में ऑप्टिकल फाइबर का एक संयंत्र प्लांट है, उसके अंदर 5G का बारे में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो उसको वो बेस्ट करके जाएगी, क्योंकि एक निजी 5G के लिए काम कर रहा है हमारा HFCL और इसके लिए इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला लिया है। अब निजी क्षेत्र में जिस तरीके से रेलवे को 5G की आवश्यकता हो सकती है, खनन के कार्यों के लिए आवश्यकता होती है, शिक्षा के कार्यों के लिए आवश्यकता होती है, निर्माण के कार्यों के लिए जो नेटवर्क की आवश्यकता होती है, उस चीज़ के लिए एक पर्सनल 5G यानी प्राइवेट नेटवर्क की चीज़ों की दिशा हमारे HFCL ने देखा है। अब क्या है सर कि 5G की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्रबंधन किया है। यानी कि इनको लगता है कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर में अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए इनको पैसों की जरूरत होगी, और इस ऋण के माध्यम से या अन्य स्रोतों से 170 करोड़ रुपए जुटाएंगे। आपको देखना चाहिए कि मौजूदा जो इसकी क्षमता है ना, 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर प्रति वर्ष की इसकी क्षमता है, इसे ये बढ़ाकर 33.90 मिलियन फाइबर किलोमीटर प्रति वर्ष करने वाले हैं। यानी कि 10 से सीधा ये 33.90 फाइबर किलोमीटर प्रति वर्ष करने वाले हैं। तो यहाँ पर HFCL एक चीज़ ऐसी दिशा दिखा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है और 5G की डिमांड बढ़ने से इस तरीके का ये 470 करोड़ रुपए अपने वर्क के लिए इकट्ठा करेगा और उसको वो बैंकों के ऋण से या फिर अन्य स्रोतों से इस चीज़ के लिए लगेगा। देखो सर, इस शेयर में क्या है कि हाल ही के दिनों में तो हमें तेज़ी के संकेत भी मिल सकते हैं, आगे गिरावट भी हो सकती है, पर अगर आपकी दिशा सिर्फ इस वजह से इसके अंदर है, और वो देखनी चाहिए कि जितने भी टेलीकॉम वाली कंपनियां हैं उनको फाइबर ऑप्टिकल की ज़रूरत है, उनको उस तरीके के उपकरण की ज़रूरत है जो टेलीकॉम सेक्टर में लगते हैं, और हमारे देश का एक अभिलाषा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी में वर्क हो, और उस स्वदेशी को वर्क करने वाली कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में HFCL, और जहां इसका बेहतर नाम जो है ऑप्टिकल फाइबर में है, और उसकी वजह से इसको बीते दिनों किसके यहां से ऑर्डर मिला था, जियो के यहां से ऑर्डर मिला था, और जियो जो है यहां पर अच्छा ब्रांड बनता जा रहा है 5G या फाइबर में, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा, और उसके लिए इसने ऑर्डर भी जीता है, और कहीं ना कहीं ये 5G की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट हो गया या विप्रो के साथ भी ये इस तरीके का पार्टनरशिप करके कौन बैठा है, HFCL बैठा है। तो इन शेयरों से हाल ही वाली जो हमें प्रॉफिट कमाने वाली मंशा नहीं देखनी चाहिए, हमें इन शेयरों की होल्ड वाली मंशा देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ये उस चीज़ के लिए कर रहा है जहाँ से टेक्निकल चीज़ें यानी कि डिजिटल में ज़्यादा वर्क होगा। तो एक अहम भूमिका HFCL डिजिटल क्षेत्र में बनाता जा रहा है। तो सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा कि HFCL ने अपनी मौजूदा जो क्षमता है उसे वो कई गुना बढ़ाना जा रहा है, और उसके लिए उसने 470 करोड़ रुपए का धन जुटाने का कुछ चीज़ें वो करेगा, वो भी आगे जाकर सामने आएगी। और जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसने निजी 5G के लिए पार्टनरशिप की है, ये एक बेहतरीन शेयर HFCL को बनाता जा रहा है। और वोडाफोन आइडिया में आपको करना है इंतजार, और वो इंतजार है फंड का, उसके बिना इसके अंदर कुछ भी सुनहरे अवसर आने वाले नहीं हैं। NHPC जिस तरीके से नेपाल से 480 मेगावाट की एक परियोजना पर हस्ताक्षर कर चुकी है, और आने वाले दिनों में इसकी कई निर्माणाधीन परियोजना है जिसके लिए NHPC एक बेस्ट काम कर रहा है, और IDPI बैंक की जो वित्तीय बोली बुलाने की एक प्रक्रिया है वो होगी सितंबर में, और सितंबर से पहले इसके अंदर आपको हल्की हल्की अपनी स्थिति को संवारना है, वो संवारना पड़ेगा अगस्त के एंड से। तो हर चीज़ों को अलग तरीके के नज़रों के अनुसार देखिए, और सुजलोन एनर्जी में फिर कुछ अच्छी दिशा
देखो सर, अब सुजलोन एनर्जी तभी आपको तेजी के संकेत दिखा सकता है जब इसके अंदर एक और ऑर्डर की मिलने की या फिर कंपनी से कुछ पॉजिटिव संकेत आए, फिर वो 10 में जो हमारी बाइंग बनती है वो उसको भी तोड़ेगा, फिर वो वहीं से भागना शुरू कर देगा। तो अब इसके अंदर एक पासा पलटेगी कोई भी ऐसी न्यूज जो इसको बीते दिनों काफ़ी ऑर्डर मिले या फिर आगे जाकर कुछ ऑर्डर वाली चीज़ें निकल कर आएँ, और उसके इन न्यूज़ के बिना ये ऐसे ऊपर जाएगा तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी हमें करनी चाहिए। देखो सर, ये जो तेज़ी दिखाई है, मैं आपको बताऊं कि जितने इसने ऑर्डर लिए थे वो, और एक तेज़ी जो इसने अच्छी वाली दिखाई वो उसने अपने रिजल्ट की वजह से दिखा दी। और अगर ये मंडे को भागना शुरू कर दे तो क्या वो रिजल्ट वाली तेज़ी मंडे से आएगी? इतने दिनों बाद रिजल्ट का असर पड़ेगा? नहीं पड़ने का। अगर मंडे को इसने तेज़ी दिखाई तो वो कब पड़ेगा? कि इसके अंदर कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आई है। तो हर स्थिति को आपको समझना चाहिए कि रिजल्ट का इफेक्ट 1 से 2 दिन है, 4-5 दिन नहीं पड़ता। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।